नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए आज भारत ने टेस्ट किया है अपना मिशन दिव्यास्त्र और इसको लेकर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ये देखिए, ये है उनका ट्वीट। उन्होंने लिखा है, प्राउड ऑफ डीआरडीओ साइंटिस्ट फॉर मिशन दिव्यास्त्र द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी। और इस टेस्ट के साथ भारत एक नए क्लब में एंट्री कर गया है, ऐसे क्लब में जिन कंट्रीज के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है विद MIRV टेक्नोलॉजी। ये टेस्ट किया गया अग्नि 5 मिसाइल को लेकर और मिशन दिव्यास्त्र के अंडर अग्नि 5 मिसाइल का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट हुआ है विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि एक सिंगल मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड लॉन्च किए जा सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पर, यानी एक ही मिसाइल होगी और उसमें मल्टीपल वॉरहेड होंगे और उन मल्टीपल वॉरहेड को आप अलग अलग जगह पर गिरा सकते हैं एक ही मिसाइल के जरिए, चाहे तो एक इस्लामाबाद पे गिरा दें और दूसरा कराची पर। और इस टेक्नोलॉजी को अग्नि 5 मिसाइल पर पहली बार टेस्ट किया गया है और यही है मिशन दिव्यास्त्र। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस मिसाइल के जरिए कन्वेंशनल वॉरहेड यूज करें या न्यूक्लियर वॉरहेड डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट करने के लिए। देखिए, अग्नि 5 वही मिसाइल है जिसके सक्सेसफुल टेस्ट से चाइना भी घबरा गया था। हालांकि भारत ने इसको लेकर कहा था कि इसकी रेंज होगी 5000 से 5500 किलोमीटर के आसपास, लेकिन चाइनीज एक्सपर्ट्स को लगता है कि इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है और इस वजह से पूरा चाइना अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। वैसे अगर हम डीआरडीओ की भी माने और ये मान ले कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज है 5000 किलोमीटर, तो देखिए इसके अंडर लगभग पूरा रशिया, पूरा चाइना, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप और आधे से ज्यादा अफ्रीका आता है। इसका मतलब है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका ही बसते हैं इस मिसाइल की रेंज से। और अगर चाइनीज एक्सपर्ट्स की माने और मान ले इस मिसाइल की रेंज है 8000 किलोमीटर, तो फिर सोचिए ये मिसाइल कहां तक जाएगी। अब मान लीजिए भारत का वॉर होता है पाकिस्तान के साथ और इन रेयर के सिनारियो मान लीजिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर अटैक कर देता है भारत पर, तो भारत को पाकिस्तान के मेन सिटीज पर अटैक करने के लिए मल्टीपल मिसाइल नहीं छोड़नी होगी, भारत को छोड़नी होगी सिर्फ एक अग्नि 5 मिसाइल, उसी में होंगे मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड जो एक साथ पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज को हिट करेंगे। यही केस चाइना के साथ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ए माइलस्टोन अचीव्ड बाय डीआरडीओ साइंटिस्ट। अगर बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज के पास फिलहाल MIRV टेक्नोलॉजी है, तो USA, UK और फ्रांस, इन तीनों कंट्रीज के पास MIRV टेक्नोलॉजी है ऑन देयर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। चाइना के पास भी MIRV टेक्नोलॉजी है विद इट्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। रशिया के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के लिए MIRV टेक्नोलॉजी है। और फाइनली अब भारत ने भी इस क्लब को ज्वाइन कर लिया है। ऐसी भी न्यूज है कि पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल्स के लिए MIRV टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, हालांकि वो ऐसा कर पाया या नहीं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, भारत की अग्नि 5 एक लैंड बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने। हालांकि इसकी रेंज को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन ये माना जाता है इसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक है। ये एक 3-स्टेज रोड मोबाइल कैनिस्टर सॉलिड फ्यूल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे भारत की अग्नि सीरीज की मोस्ट एडवांस मिसाइल माना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेविगेशन एंड गाइडेंस वॉरहेड और इंजिन। इस मिसाइल को इस तरीके से बनाया गया कि पहले मिसाइल काफी ऊंचाई तक जाती है और फिर वहां से गिरती है नीचे की तरफ अपने टारगेट के लिए। जैसे जैसे नीचे आती है इसकी स्पीड बढ़ती रहती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। साथ इसमें भारत का बना हुआ खुद का एवियोनिक सिस्टम लगा है और इसमें लगे हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेज, जिससे इस बात को इंश्योर किया जा सके कि जब इस व्हीकल की री एंट्री हो यानी अग्नि 5 मिसाइल की री एंट्री, तो ये एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करे। वैसे इस मिसाइल को चाइना को ध्यान में रख के ही डेवलप किया गया था, क्योंकि चाइना के पास डेंग फेंग 41 जैसी मिसाइल हैं, ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती हैं और इनकी रेंज है 12000 से लेकर 15000 किलोमीटर। अब बात करते हैं थोड़ा MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये एक्चुअली होती क्या है। ऐसी मिसाइल एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है और इसमें लगे होते हैं एक साथ कई वॉरहेड, चाहे कन्वेंशनल वॉरहेड हो या न्यूक्लियर वॉरहेड। इस तरह की मिसाइल में लगा हुआ हर वॉरहेड एक डिफरेंट टारगेट को हिट कर सकता है ऑन डिफरेंट लोकेशन। इससे पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसे कहा जाता था MRV यानी मल्टीपल री एंट्री व्हीकल। हालांकि उसमें भी वॉरहेड मल्टीपल होते थे, लेकिन वो रैंडमली गिरते थे, अलग अलग टारगेट को इंडिविजुअली हिट नहीं करते थे। और उसके बाद डेवलप की गई है MIRV टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कई चैलेंजेस आते हैं और वो काफी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे कि वॉरहेड को काफी छोटा करना, और इसके लिए काफी एडवांस गाइडेंस सिस्टम भी चाहिए होता है, क्योंकि एक टाइम पर मल्टीपल वॉरहेड निकलते हैं, मल्टीपल टारगेट को हिट करते हैं, तो ऐसे में गाइडेंस सिस्टम का एडवांस होना काफी जरूरी है। साथ ही एक और क्रूशियल चीज है, वो है एंश्योरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल री एंट्री व्हीकल। अग्नि 5 मिसाइल को पहले ही भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है और इसमें MIRV टेक्नोलॉजी लगने के बाद ये बन गई है भारत का दिव्यास्त्र।
हालांकि यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि MIRV टेक्नोलॉजी के साथ ये अग्नि 5 का भी पहला ही टेस्ट है। जाहिर है इन फ्यूचर इसको लेकर और भी कई टेस्ट होंगे, बट स्टिल इट इज ए गुड न्यूज के भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड ले जाने की टेक्नोलॉजी को ऐड किया जा रहा है, और इससे भारत अपने आप को अच्छे तरीके से ना सिर्फ डिफेंड कर पाएगा बल्कि उसकी अटैकिंग पावर भी बढ़ेगी। आप लोग इस पर क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।